दोस्तों आज हमारे पास सोनी का 32EX400 टीवी रिपेयर के लिए है, जिसमें प्रॉब्लम है नेगेटिव पिक्चर की। तो दोस्तों हो सकता है आपको कैमरे में अच्छे तरीके से ये ना दिख पाए, लेकिन इसमें नेगेटिव पिक्चर की प्रॉब्लम है, चेहरे अच्छे नहीं दिख रहे हैं। और जैसे कलर टीवी में ABL का फॉल्ट पड़ने पर पिक्चर आती है, वैसे पिक्चर आ रही है। और इसकी जो मीनू है और जो स्टार्टिंग लोगो है वो बहुत तो बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, ये देखिए। बाकी सभी सब कुछ बहुत अच्छा आ रहा है, ये देखिए। लेकिन अगर आप कुछ भी इसमें कोई सिग्नल देंगे तो ये देखिए, मैं आपको इंटरनल पिक्चर चला कर दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये एक तरीके से ये नेगेटिव सा फॉल्ट है। तो हम ये देखेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है। इसमें ये जो टीकॉन लगा हुआ है, इसमें जो Gamma IC है, ये इसमें प्रॉब्लम है। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए RM5501 Gamma IC लगा हुआ है। इसकी जो 27 नंबर पिन है, उस पर हम प्रीसेट लगा के 12 वोल्ट सप्लाई से मॉडिफिकेशन करेंगे। अगर आपके पास आप इस Gamma IC है तो आप चेंज करके भी इसका ये वाला फॉल्ट निकाल सकते हैं, लेकिन हमने इसको मॉडिफिकेशन के तरीके से निकाल दिया है। तो ये देखिए हम क्या करेंगे, जो इसकी 27 नंबर पिन है इस RM5501 की, ये जो Gamma IC होता है, उस पर हम जम्पर लगाएंगे और हम इसको प्रीसेट की मदद से 12 वोल्ट सप्लाई से लगा देंगे। दोस्तों आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसको प्रीसेट हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि सप्लाई इसको मतलब अपने हिसाब से जो पिक्चर है उसको सेट कर सकते हैं। भी अलग अलग फॉल्ट होता है, रेजिस्टेंस हमने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हमें प्रॉपर वैल्यू उसका मालूम नहीं है, अभी कितनी कितनी वैल्यू का रेजिस्टेंस है जो लगेगा। आप प्रीसेट लगा लें तो उसके हिसाब से जहाँ पर आपकी पिक्चर सेट हो जाए उसको प्रीसेट को माप कर आप फिक्सर रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं। तो हमने 204 यानी कि 200K का प्रीसेट यूज़ किया है, जिसकी हमने एक पिन को ग्राउंड पर लगा दिया, एक को 12 वोल्ट सप्लाई जो पैनल की आ रही है उस पर लगा दिया, और जो दूसरी तीसरी वायर है उसकी वो हमने Gamma IC पर लगा दी। तो हमारा फॉल्ट जो है जो क्लियर हो चुका है। ये देखिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।